भारत को अक्सर त्योहारों का देश कहकर पुकारा जाता है, क्योंकि यहाँ अलग अलग सभ्यता, धर्म और संस्कृति से जुड़े लोग रहते हैं, जो इसे विभिन्न त्योहारों का गढ़ बनाता है। क्योंकि भारत एक धर्म निरपेक्ष देश है, इसी कारण यहाँ साल में तरह तरह के त्योहार मनाए जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि रमजान का महीना चल रहा है, ऐसे में इन दिनों देश भर के बाजारों में रमजान की रौनक देखने को मिल रही है। इस्लाम धर्म के इस पवित्र महीने का दुनिया भर में लोगों को बेसब्री से इंतजार रहता है। लोग रमजान के इस पवित्र महीने में बढ़ चढ़ कर दान देते हैं, ताकि गरीब लोगों की मदद हो सके। रमजान का महीना पूरा होने के बाद ईद मनाई जाती है। इस बात महीने का क्या महत्व है, सुनिए। रमजान का मतलब होता है रुकना। जो भी इंसान के अंदर बुराई है, जो भी चीज़ है, उससे रुकना। अल्लाह ताला ने रमज़ान को फ़र्ज़ किया है और 30 दिन का रोज़ा हम लोग उसमें रखते हैं, जिसमें मतलब रमज़ान सिर्फ ऐसा नहीं है कि भूखा रहना। रमज़ान में जैसे आँखों का, कानों का, ज़ुबानों का और कदमों का, हमारे हाथों का, हर चीज़ से रुकना। किसी को बुरा नहीं कहना, किसी को भला नहीं कहना, और नमाज पढ़ना, ज़कात देना, हज करना जो बकरीद में आता है। हम यहाँ पे आए हैं जामे मस्जिद में आज इफ्तार मनाने के लिए अपनी फैमिली के साथ। ये 30 दिनों का होता है, जिसमें हम सनराइज़ होने से पहले पहले हम अपना खाना पीना ख़त्म कर देते हैं, और मगरिब यानी कि जब सनसेट पूरे कंप्लीट हो जाता है, जब अज़ान होती है, तो हम अपना रोज़ा इफ्तार कर लेते हैं। तो औरतें इसके लिए ज़्यादातर चाहती हैं कि वो किचन में जाती हैं, खाना बनाती हैं, और मर्द भी ऐसा नहीं है कि वो नहीं हाथ बटाते हैं। जब उनको फुर्सत मिलती है तो वो सब मिल करके इफ्तार करते हैं अपने घर में, या आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ, कहीं जा रहे हैं वहाँ पे इफ्तार खोलते हैं। तो ये सब बहुत एक अच्छा, बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये निज़ाम चलता है। 12 महीने में एक महीना हमारे पास होता है। ये सिर्फ सोसाइटी को, वर्ल्ड को और लोगों को ये जानने के लिए कि बहुत सारे लोग पूरे साल भूखे रहते हैं, तो ये महसूस किया जाता है कि भूख क्या होता है। अल्लाह ने इसीलिए हमें दिया है ताकि हम लोगों को समझ सकें, और इसलिए 30 रमज़ान सिर्फ फीलिंग होता है, वैक्यूमाइज होता है। सहरी का मज़ा, इफ्तार की लज्जत, जिक्र, शुक्र, सब्र, नेमत, रहमत, कुरान शरीफ की तिलावत, नमाज का वसूल, रोज़े की रूहानियत के साथ माहे रमज़ान का आगाज होता है। इस पाक महीने में लोग पूरा दिन रोज़ा रखते हैं और फिर इफ्तार कर अपना रोज़ा खत्म करते हैं। परंपरागत रूप से पैगंबर मोहम्मद की प्रथा का पालन करते हुए लोग उपवास खजूर और पानी से तोड़ते हैं। पवित्र महीने के दौरान मुसलमान सूर्योदय से सूर्यास्त तक भोजन और पानी से परहेज करते हुए दैनिक उपवास करते हैं। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।